गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में आपका क्या कवर करेंगे ना, लॉग ऑफ प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ प्रिमिटिव के अंदर आता हाइड, टर्टल, शॉर्ट टर्टल, होम, हियर, टेक्स्ट प्रिमिटिव एंड क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है ना, द कमांड व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द टर्टल इज कॉल्ड क्या, प्रिमिटिव। द कमांड व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द टर्टल इज नोन एज प्रिमिटिव। जो कमांड हम किसको देते हैं ना, टर्टल को देते हैं ना, जो कमांड हम किसको देते हैं ना, टर्टल को देते हैं, उसको क्या बोला जाता है ना, आपका प्रिमिटिव बोला जाता है। इसको टर्टल बोला जा रहा था, आपको सब पता है, और टर्टल का एक टेल था और एक क्या था, हेड था, हम इसको सारे सारे पढ़े थे। तो ये जो कमांड, और यहाँ पे आपका कमांड बार था, और यहाँ पे था, और ये था आपका, ये स्क्रीन में आप क्या कर रहे थे ना, जो भी आपका ड्रॉइंग बनाना है ये एरिया में आप ड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका कमांड दे रहे थे। ठीक है, तो जो कमांड हम क्या कहते हैं ना, ये टर्टल को देते हैं, उसको क्या बोला जाता है ना, प्रिमिटिव बोला जाता है, जिसके अंदर आता है हाइड टर्टल। तो हाइड टर्टल का मतलब क्या है ना, इसी टाइप का आपका टर्टल है। ठीक है, जब हाइड टर्टल कमांड दे दोगे, ओनली आपका क्या आएगा ना, एक लाइन आएगा, क्या आएगा ना, एक लाइन आएगा, ये क्या हो जाएगा ना, आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, हाइड हो जाएगा। हाइड टर्टल जब कमांड दोगे, तो सपोज ये एक स्क्रीन में था, मैं और एक स्क्रीन बना देता हूं। ठीक है, आपका हाइड टर्टल जब कमांड दोगे, आपका स्क्रीन कैसे हो जाएगा ना, ओनली एक लाइन टाइप का हो जाएगा। ये जो टर्टल है क्या हो जाएगा ना, हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड टर्टल का, हाइड का मतलब तो आपको सबको पता है, कोई भी चप्पल लेके क्या बोलते हैं, छुपा लेता है, उसको क्या बोलते हैं ना, मैं हाइड कर लिया। तो सेम ही आपका यहाँ पे जो कमांड क्या करते हो ना, टर्टल को देते हो, और टर्टल जिसके वजह से क्या देता है ना, ये जो टर्टल था वो क्या जाएगा ना, हाइड होकर इसी टाइप का एक लाइन बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे ना, हाइड टर्टल बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या टाइप करना है, टर्टल को हाइड करने के लिए ना, आप एस टी लिखोगे, कैपिटल एस कैपिटल टी, उसके बाद क्या करना है ना, एंटर कर दोगे। जब क्या हो जाएगा ना, ये टर्टल समझ लेगा कि मेरे को हाइड होने के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ना, हाइड हो जाएगा, आपका स्क्रीन से हट जाएगा और एक लाइन रहेगा। ये था आपका क्या ना, एस टी टर्टल। तो कभी कभी क्या होता है ना, टर्टल का पोजिशन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, शो करना पड़ता है। तो इसीलिए शो टर्टल है, उसका एस टी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, शो टर्टल। आपको सपोज टर्टल अभी हाइड है, तो आपको देखना है कहाँ पे है मेरा टर्टल, तो क्या करना पड़ेगा ना, आपको एस टी एस टी एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब क्या करोगे ना, एस टी एंटर कर दोगे, आपका क्या हो जाएगा ना, टर्टल यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, अभी इस टाइप का था, फिर ये क्या आ जाएगा ना, शॉर्ट टर्टल में इस टाइप का स्क्रीन बन जाएगा, आपका टर्टल क्या आ जाएगा ना, डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इधर समझ में आया, हाइड टर्टल मतलब टर्टल क्या आ जाएगा ना, हाइड हो जाएगा, आपका पूरा एक ही लाइन बन जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्टल जब दोगे, तो क्या हो जाएगा ना, टर्टल एक ट्रायंगल शेप का जो है, उसका हेड रहेगा, टेल रहेगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर वो आ जाएगा। ये था आपका शॉर्ट टर्टल। कभी कभी क्या होता है ना, हम होम को क्यों देते हैं ना, हमारा ओरिजिन ऑलवेज क्या होता है ना, होम होता है, इसीलिए सबका एक एक होम प्लेस रहता है। तो जहां पे भी जाएंगे वो बाद में क्या करेंगे ना, होम प्लेस में रिटर्न करेंगे। ठीक है, होम प्लेस में रिटर्न करेंगे, तो फिर होम से हम बता सकते हैं वो कहां पे गया है। सपोज ये होम को नहीं आएगा, कहां पे हम बता सकते हैं नहीं, तो इसीलिए आपको ये टर्टल सपोज यहाँ पे है, तो आपको पता है ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, कौन सा एक्सिस में है, आपको कुछ पता है नहीं। तो इसीलिए क्या करोगे ना, सिंपली इसको सपोज ये होम पोजीशन है, तो होम पोजीशन आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम पोजीशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, होम क्या लिखोगे ना, होम कमांड क्या दोगे ना, होम। होम और एंटर जब कर दोगे, वो क्या होगा ना, टर्टल जहां पे भी होगा वो उसका क्या आ जाएगा, होम पोजीशन में आ जाएगा। जब होम पोजीशन में आ जाते हैं, उसके बाद हमको कोई भी ड्राइंग बनाने में आसानी होता है, क्यों ना, हमको पता है होम पोजीशन में उसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सारे सारे क्या होता है ना, जीरो जीरो होते हैं, वो कोई डिस्टेंस मूवमेंट नहीं किया है। सपोज यहाँ पे होगा और मैं दूंगा क्या ना, सपोज 100 फॉरवर्ड दे दूंगा, एफडी 100 दे दूंगा, तो ये आइदर यहाँ पे स्पेस रॉन्ग कमांड भी बता सकते हैं, क्योंकि ना ये कोई डिस्टेंस है, सपोज डिस्प्ले का साइज इतना नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। लेकिन जब होम पोजीशन में होगा, मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक सपोज 1000 नहीं बोलूंगा, तो 110 बोलूंगा। ठीक है, तो 100 जब दूंगा ये होम पोजीशन में, सपोज है ये क्या करेगा, मूव कर सकते हैं, लेकिन सपोज यहाँ पे होगा मैं 100 दे दूंगा, वो नहीं मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी आप
कुछ भी ड्राइंग स्टार्टिंग से आपको क्या करना पड़ेगा ना, टर्टल को होम पोजीशन में लाना पड़ेगा। तो होम पोजीशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, टर्टल को कमांड देना पड़ेगा जो वो लैंग्वेज को समझ सकता है। तो इसीलिए आपको कमांड बॉक्स में क्या टाइप करना है ना, होम। क्या टाइप करना है ना, होम टाइप करोगे। उसके बाद होम एंटर जब प्रेस कर दोगे क्या हो जाएगा ना, ये आपका होम पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो होम पोजीशन में आ गया। उसके बाद आपको क्या होगा ना, आसानी हो जाएगा ड्राइंग बनाने में। तो ये तो होम। उसके बाद आता है क्लियर टेक्स्ट पीपीटी। क्लियर टेक्स्ट पीपीटी मतलब क्या होता है ना, सपोज यहाँ पे मैं जितने सारे सारे कमांड्स देता हूँ, ठीक है, ये जितने सारे सारे कमांड्स देता हूँ, मेरा यहाँ पे कमांड दे देता हूँ, फाइनली आपका कमांड कहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आके सेव हो देते हैं। यहाँ ऊपर जो है आपका जो है रिकॉल रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ठीक है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में ये क्या हो जाता है, ये इसको बोलते हैं रिकॉल रिकॉल लिस्ट बॉक्स। ये जो कमांड जितने सारे सारे देते हो वो कहाँ पे सेव हो जाके हो जाता है, रहता है ना, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। रिकॉल लिस्ट बॉक्स में बहुत सारे टेक्स्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये सारे सारे टेक्स्ट ऑनली इमेज रहेगा आपका, जो इमेज रखे हो इमेज रहेगा, लेकिन आपको ये जो सारे सारे टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को हटाना है, इरेज करना है, फिर आप न्यू कमांड दोगे, ताकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, आपको क्लियर टेक्स्ट प्रिमिटिव अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या कमांड देना पड़ेगा ना, सीटी एंटर। जब सीटी एंटर कर दोगे यहाँ पे जितने सारे सारे रिकॉल लिस्ट में आपका जितने सारे सारे टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा ना, इरेज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा ना, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। फिर आपका न्यू इमेज ड्रॉ करना है, सारे सारे कमांड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑनली क्लियर टेक्स्ट करने के लिए, ये जो टेक्स्ट सारे सारे को क्लियर करने के लिए सीटी कमांड देते हैं। सपोज आपका क्लियर क्लियर स्क्रीन पीपीटी, क्लियर स्क्रीन पीपीटी में क्या होगा ना, टेक्स्ट के साथ साथ ये यहाँ पे जितने सारे सारे इमेज भी आप ड्रॉ किए हो वो भी क्या हो जाएगा ना, इरेज हो जाएगा। इसीलिए आपको CS कमांड देना पड़ेगा। जब CS एंटर कर दोगे आपका क्या हो जाएगा ना, सारे सारे इरेज हो जाएगा, ये भी इरेज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कमांड बॉक्स ये सब क्या हो जाएगा ना, आपका इरेज हो जाएगा पूरा। इनिशियल जैसे स्टार्टिंग जैसे क्लिक करते हैं सेम ही आपका। ठीक है, इस टाइप का स्क्रीन बन जाएगा। कब ना, क्लियर स्क्रीन जब प्रिमिटिव कमांड दोगे। क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव कमांड में क्या होगा ना, आपका टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा ना, टेक्स्ट टेक्स्ट प्लस क्या हो जाएगा ना, आपका इमेज जो भी ड्रॉ की हो वो सारे सारे क्या हो जाएगा ना, इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका मेन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैं और एक बार सारे सारे मतलब बता देता हूँ। प्रिमिटिव मतलब क्या है ना, जो जो कमांड हम किसको देते हैं ना, टर्टल को देते हैं, ये कमांड को हम क्या बोलते हैं ना, प्रिमिटिव्स बोलते हैं। उसके बाद प्रिमिटिव के अंदर आपका क्या है ना, हाई टर्टल है, सो टर्टल है, होम है, और क्लियर टेक्स्ट है, और क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव है। इसमें और सारे सारे प्रोग्राम लिखने के लिए भी और बहुत सारे प्रिमिटिव्स है, जैसे एफडी फॉरवर्ड, एफडी 100 बोलूंगा फॉरवर्ड जाएगा, और बीके 100 लिखूंगा बैकवर्ड आएगा। ठीक है, ये सारे सारे आपका क्या होता है ना, बहुत सारे प्रिमिटिव्स है, लेकिन आपका मेनली ये जो है पांच प्रिमिटिव ऑलवेज आपका काम में आएगा। क्यों ना, सपोज आपका टर्टल में बताया, यहाँ पे टर्टल सपोज है होम पोजीशन में नहीं है, यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम होम कमांड देना पड़ेगा, सेमी हाइड टर्टल। आपका सपोज टर्टल को हाइड करना है तो क्या करोगे ना, एसटी कमांड कर दोगे, आपका टर्टल हाइड हो जाएगा। सो टर्टल टर्टल को देखना है कहाँ पे है तो क्या करना पड़ेगा ना, एसटी कमांड देना पड़ेगा, एसटी एंटर जब कर दोगे क्या देगा ना, टर्टल शो करेगा। और आपका ना होम, उसके बाद क्लियर टेक्स्ट, आप जितने सारे सारे रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जितने सारे सारे कमांड्स है उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्लियर टेक्स्ट करना पड़ेगा, सिटी कमांड देना पड़ेगा, सेमी क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव। तो क्या होगा ना, टेक्स्ट के साथ साथ आपका यहाँ पे जो भी फिगर ड्रॉ है इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव कमांड देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सी एस एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जब सी एस एंटर प्रेस कर दोगे आपका इमेज के साथ साथ जो भी सारे सारे रिकॉल लिस्ट में आपका टेक्स्ट है वो भी क्या हो जाएगा ना, आपका इरेज हो जाएगा। और जितने सारे सारे हैं आपका क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और ठीक है ये सारे सारे
कमांड राइट टर्न लेफ्ट टर्न ठीक है, ये सब और एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। मैं भी और एक लिंक पे जाऊँ जिसमें आपका क्या है नाम और कैसे फिगर सेव करोगे, तो वो सारे सारे उसमें बताया था एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके, तो वीडियो भी आप देख सकते हो। थैंक यू।